हेलो गाइस, कैसे हो? सब सब होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो कल आ चुका है एक और नया वाला वीडियो के साथ। बहुत दिन के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, आप आज की इस वीडियो में आपको एक न्यू वीपीएन सेटिंग बताने वाले, वो भी जियो की न्यू वीपीएन सेटिंग। उसके लिए सिंपली आपको क्या चल जाना है अपने सेटिंग में, फिर उसके बाद चल जाना है सिम कार्ड मोबाइल डाटा में, फिर आपको जो आपका जियो का सिम है उस पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको एक्सिस पॉइंट नेम से मिल जाएगा, नहीं तो एपीएन भी मिल सकता है, बस उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये जो है प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। फिर प्लस वाले आइकॉन पर क्या क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्म आपको मिलने वाला है वो ये भरना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नेम में आपको लिखना है निंजा एक्स लाइट, निंजा का एन कैपिटल रखना है और स्पेस दे के एक्स लाइट लिखना है, एक्स और एल कैपिटल रखना है विथ नो स्पेस। फिर उसके बाद आपको एपीएन देख लेना है, एपीएन में आपको लिखना है डॉट जियो 5G, कुछ भी कैपिटल नहीं लिखना है, सब स्मॉल लेटर्स में लिखना है विदाउट स्पेस। प्रॉक्सी को नॉट सेट लिखना है और प्रोट को भी नॉट सेट, नॉट सेट से मेरा मतलब है कुछ भी मत लिखो, ऑटोमेटिकली नॉट सेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज़र नेम का, उसमें आपको लिखना है @ninja98/x, ये आपको लिखना है, सब कुछ स्मॉल में लिखना है और विदाउट स्पेस भी लिखना है। फिर उसके बाद पासवर्ड है नॉट सेट, सर्वर में आपको लिखना है www.google.com, स्पेस नहीं देना है, जी कैपिटल रखना है। फिर उसके बाद MMSC नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC एंड MNC आपका एरिया वाइज कोड होते हैं, वो आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाएगा, वो आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके लिए आप उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑथेंटिशिएशन टाइप, उस पर क्लिक करके आपको PAP पैप वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। लिखने का ऑप्शन है तो आप लिख लेना, डिफ़ॉल्ट जो APN टाइप है उसको आपको डिफ़ॉल्ट रख देना है। फिर APN प्रोटोकॉल जो है उसको आपको रखना है IPv4/IPv6 रख देना है। फिर उसके बाद जो APN प्रोटोकॉल APN रोमिंग प्रोटोकॉल है उसको आपको IPv4/IPv6 रख देना है, और APN प्रोटोकॉल एंड APN रोमिंग प्रोटोकॉल दोनों सेम रहने चाहिए। फिर उसका जो बेयरर है अपना APN का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेयरर जो सेटिंग होती है वो बेयरर होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसा स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड पर टिक होगा, इसको अनटिक करके को LTE सिलेक्ट कर देना है, HSPAP सिलेक्ट कर देना है, HSPA, HSUPA, HSDPA, एंड UMTS एंड जो है आपका अपना EVDO एंड B, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, बाकी कौन से भी सिलेक्ट मत करना। अगर आपके फ़ोन में ये सिलेक्ट करने के बाद सपोर्ट नहीं कर रहा है फ़ोन, मतलब सेव नहीं हो रहा है APN, तो आपको सिर्फ LTE को ही सिलेक्ट करना है, तो जिनको सपोर्ट कर रहा है वो सबको सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको टिक पर क्लिक करके ये APN को आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है, आपका फ़ोन आप रिबूट कर लेना है दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हो ऐसा रिबूट कर लेना है। तो आप देख सकते हो आपको है ना जो है पावर ऑफ पर क्लिक करके फिर आप पावर ऑन कर लेना। फिर उससे क्या होगा, आपका जो APN है वो आपका मोबाइल से मतलब सिम से अटैच हो जाएगा, फिर ये जो APN है वो परफेक्टली रन करेगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।